तो नए नए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। जय श्री राम से। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। नाचे नुचे करते रहते हैं सिस्टम। आगे का ब्लॉग दिखाते हैं। अभी हम मॉल रोड जाएंगे यहाँ से। जय श्री राम। ये क्या हो रहा है? ब्लॉग दिया मोटा। तोड़ दो भाई, तोड़ दो, बैठ तोड़ दो, बैठ तोड़ दो। मोटे को क्या हो गया? दोगे किशन और मैं खाली। अभी एक ये नंगा बैठा है और एक अंदर घुसा हुआ है। अरे आ जा बाहर। बढ़िया लगा हूँ। अब जा रहे हैं मॉल रोड घूमने। तुम कहीं चले जाओ, शिमला, मनाली, नैनीताल, कहीं चले जाओ, हर जगह मॉल रोड है। हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ की सब्जी मंडी, हमारे यहाँ की सब्जी मंडी तो मेरी मंडी है। अब मेरी सिंपल बात है, मैं तो बताऊं, ये मंडी है। अपन कुछ खा लेते हैं यार। चलो माल रोड तो प्यारा है। तू क्या कर रहा है? लेकिन हाँ, मुझे तो एक जैसे लगता है। मनाली के मोमोज खाते हैं। चलो मोमोज खाते हैं। मनाली मोमोज की मनाली रामबाग मनाली। भाइयों आ गए वापस रूम पे। मालर वालर घूम के आया नहीं कोई स्वाद वाली बात। सब जगह का मॉल रोड सेम है पर आते इतनी दूर है मॉल रोड। तो आज के लिए इतना ही। खाना वाना खाते हैं। खाना ऑर्डर कर रखा आ जाएगा तो खाना खाते हैं, सोएंगे, फिर कल दिखाते हैं। कल शायद हम जाएंगे यहाँ से रोहतांग वैली। रोहतांग टॉप बोलते हैं, रोहतांग वैली है जो भी होता हो। कल वहाँ जाएंगे, वहाँ बोल रहे हैं कि बर्फ पड़ रही है, रोहतांग टॉप जो भी है वो, तो वहाँ पे जाके बर्फ देखते हैं और दिखाता हूँ आपको भी, फिर आगे का सीन बताता हूँ। प्यारा मुझे भी ले लो, तो देख लो भाई से। सब्सक्राइब कर दो किशन शर्मा व्लॉग्स को। किशन शर्मा व्लॉग्स, ठीक है। Happy birthday to you. May God bless you. क्या नु जन्मदिन लगा तो बताइए। ना हम बैठे हम तो भाई। बाहर कहाँ जा। गुड मॉर्निंग गाइस। और जैसे कि आज है हमारा मनाली में दूसरा दिन और आज हम जाने वाले हैं रोहतांग पास। तो कह रहे हैं वहाँ पर बर्फ है सितंबर में, मतलब तो सितंबर के टाइम में मतलब। और दिखाता हूँ, और देखो सुबह का नज़ारा देखो आप यहाँ का, क्या शानदार दिखा दो। नहीं ओए भूल कैसे पड़े हैं। एक हमारे साथ वाला है और रात को ये सोया था उस कमरे में, हर्ष सोया था उस कमरे में, और किशन में और वो हम तीन जने इस बेड पे, जो कि एक मारता है खर्राटे ही खर्राटे। टेरिस पे घूम के आते हैं क्या चीज़ है वहाँ। क्या सेहत तो अच्छी तो नहीं है। अबे भाई टेरिस है ही नहीं इनका, टेरिस है ही नहीं। अबे यही है जो कुछ है। बर्फ थोड़ी सी दिख रही है वहाँ पे। वहाँ पे वो बर्फ उस वाले पे है। बर्फ ये बर्फ नहीं है, जो धूप है बादल है बर्फ है भाई। वो आगे वाला है, तैयार नहा धो के फुल सेट और अब निकलते हैं यहाँ से। सोल ले लिया हमने तीन जनों ने ना, क्योंकि हर्ष पे तो पहले से लेके आया था मैंने।
मोटा खाने में लगा रहता है वो मोटे। एक मैं भी लूंगा मफलर। और एक ये तीन मफलर है ना, बढ़िया लग रहे हैं। चलो बाकी तुम बता देना कैसे लग रहे हैं। जो मेरा ट्रेड मार्क है क्यूट, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो लोग ना हंसे। हंस देना भाई सारे। मनाली मॉल रोड को छोड़ दिया। बाय बाय। ना वो लेनी, पानी की बोतल लेनी है, कुछ खा लेंगे यार। ठीक है, और कुछ खा लेते हैं अभी अच्छी तरीके से। पत्थर ही पत्थर यार भाई, पत्थर ही पत्थर भाई, पत्थर दिख रहे हैं ना ये सारा। वो देखो सूखी चल रही है भाई। ये क्या ये मतलब पानी होता है। मैं पिछली बार भी मनाली आया था ना, जब इसमें पानी था, अच्छा खासा पानी था भाई, और पानी की वजह से पूरा मनाली डूब गया था, पानी नहीं दिख रहा था। पानी नहीं है इसमें, रोड टूट गया। रोड देख पूरा का पूरा चला गया अंदर। और मतलब यही जो तबाही थी ना वो ये थी। और ये मनाली मनाली में बाहर भी निकल गया देख, मनाली से। तो भाइयों जैसे कि पता लगा अभी यहाँ पे, मतलब चेकिंग के लिए रुकवा लिया था मनाली से निकलते ही, और उन्होंने बताया कि रोहतांग पास जाने के लिए मतलब ऑनलाइन परमिट कटवाना पड़ता है। तो ऑनलाइन वो परमिट कटवाते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं मैगी वैगी कुछ खा पी के। कहेंगे ये देखो सेब पक गए, वो तो लाल सेब है। ये बाग है देखे नीचे तक। पिछली बार आए थे ना जब हमने खाया था, मैं दिखाया था वीडियो। लड़ाई भी हो रही, लड़ाई हो रही है पराठे पे। पराठे पे वो क्या बोलते हो अभी तेरे सामने बाजू थे दो पराठे आ रहे हैं। आधा तो भूल दिया, आधा तो तुमने खा लिया, आधा तो खा लिया। सॉरी भाई, ये तो आगे मजा तो आता है इनके साथ। आगे नहीं दोबारा से लड़ाई करा ना, फिर खाना मंगा ले पीछे बिठाएंगे इन्हें। भाई तुझे पता है ये बंदा ना हर बार आएगा ना आएगा बोलन, तो ये सोचता है पादे में बैठा डिबेट करना चाहिए। लेबल लगा तो ये कुछ दिखा रहा है। हां वेट ऑन लेती तो तू ये किसके अमन को कह रहा है? ये क्यूट पे गए। ओए यार अमन इतनी तगड़ी बेइज्जती भाई मैंने कभी नहीं कराई। खुशी मिल रही है ना, खुश होने से। और वैसे भी भाई मैंने कपिल शर्मा से सुना, बोल रहा था हंसाना ना बहुत अच्छी बात है, तो मेरे वजह से कोई हंस रहा तो अच्छी बात है। चेहरा चेहरा दू चेहरा भी मुझे चेहरा करो मुझे चेहरे पे लाल वाले से तो मुझे समझ आते ना। वो नेचुरल है, ग्लो है भाई वो। फिर क्या हुआ, फिर लड़ाई हुई? मेरा महंगा जैसे फोन है अभी अभी गया अंदर फोन लेने के लिए। अरे वहाँ तो है नहीं, तुम में से कोई ले आया क्या? नहीं भाई, पूछ ले उससे एक बार, पूछ लिया। मैंने पूछा बोला उन्होंने रख लिया क्या पता। अरे मैंने पूछा वहाँ है ही नहीं ना, देखा उन्होंने। तुम मैं सुबह मजाक कर रहा भाई, दे दो। मैं तो नहीं लाया, लो रख ले बेटा, लेकिन ध्यान रखा कर ध्यान। अबे दिमाग सो तो यार छोड़, क्या सही है ना यहाँ पे वादियाँ, असली वाली वादियाँ, मतलब ना मजा आने। पता क्या ऐसी जगह ना जैसे इन जगह पे ना, मतलब एक दो होटल होने चाहिए और वही होने चाहिए बस, क्योंकि यहाँ भी कट जाएंगे बाढ़ बाढ़ फिर ज्यादा होटल बन जाते हैं। कौन सी चूंकि ये भाई साहब हमारे मैप देख रहे थे और हमें गलत ले जा रहे थे, अब रुक ही गए हैं तो फोटो खींच लेते हैं। ऐसे चीजें बोल सकते हैं कि घर के साथ अच्छी भी है। हाँ चलो गाड़ी आ जाएगी फिर यार। बताया था ना आपको रोहतांग पास का मतलब भाइयों कि परमिट चेक होता है वो यहाँ होता है। तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं होगा परमिट बनवा के यहाँ पे आओ, 550 रुपये फीस है जो ऑनलाइन आप बनवा सकते हो, और यहाँ पे चेक कराना पड़ेगा। ऑफलाइन कोई नहीं है, ऑनलाइन ही है सब कुछ। चल रहे हम 2 मिनट खींच, रुक गए थे यहाँ पे फोटो वोटो खींचने के लिए। भाइयों रुका इसलिए हुई हूँ बस ये सीन दिखाने के लिए, मतलब क्या जगह है यार भाई। रोहतांग पास तो पहुँचने जा रहे, यही मस्ती कर रहे हैं रस्ते में कि हमारे भाई साहब मतलब सही चीज। ये पानी बह रहा है यहाँ पे बहुत ठंड हो गई अब सच में भाई। यार मैं तो जैकेट रोहतांग पास तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन भाई बहुत ठंड हो गई है।
वापिस ही जा रहे हैं यहाँ से बस। भाई एक बात है, पे। दो बार पहाड़ आए, दोनों बार मैंने एक घंटा पहाड़ों के साथ बिताया अकेले। ना ना भाई, मैंने दोनों अब तो रूम दिखेगा बस। सच में भाई, कपड़े भी लाए हम, पता है कपड़े भी लाए से लाए भाई, जो ठंड वाले मैं लाया। देखो बादल ना नीचे आ गए भाई, अमन नीचे आ रहे हैं और ज्यादा नहीं। गाड़ी न्यूट्रल है और देख ले, अपने आप चल ले गाड़ी। ये देखो भाई क्या सही उतर रही है गाड़ी, पूरी उतर रही है। और ये और बाहर का सीन दिखा दे, और इधर देखो यार। तांग पास से थोड़ा ज्यादा पहले घूम घाम के हम आ गए होटल वापस। फिर से वही कल की तरह माल रोड घूमेंगे, खाएंगे पियेंगे, उसके बाद सोएंगे। कल निकलेंगे यहाँ से सोलांग वैली के लिए। सोलांग वैली अटल टनल सिसु होते हुए देखते हैं, फिर सिसु में रुकेंगे या फिर वापसी करके लिए क्या करते हैं। कल सबसे ज़रूरी, कल जाएंगे महादेव मंदिर है उसमें सोलांग वैली में, ऊपर जाके महादेव का एक मंदिर है, वहाँ ज़रूर जाना है। कल दिखाते हैं उस वहाँ की अच्छी चीज़। इतनी देर घूमने के बाद क्या लिया? ये ले लिया, उनको बिन बताए ला दे, बिन बताए। इसीलिए प्यारे मेरे को बना ली सर। क्यों? Once more. Cheers. और देखो हम भाई इतनी दूर आए, हम तब भी इससे चीयर्स कर रहे हैं, देखा कितने अच्छे लगे। और एक्चुअली मैंने यहाँ पे डोसा पैक हो रहा है हमारा, वो भाई बना रहे हैं जो डोसा पैक करवा लिया खाने के लिए। किशन पंखा भी ऊपर खत्म हो गया। चलो भाई मनाली का व्लॉग आज खत्म करते हैं, थोड़ा बहुत देर जगेंगे, बात बात करते हैं, उसके बाद सोएंगे। सॉरी रहने से तो लेट बहुत हो गए। क्यों भाई? हाँ चलो, गुड नाइट सभी भाइयों को। बोल दो भाई जय श्री राम भाई, जय श्री राम, गुड नाइट। करो बंद करो।